नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस सेशन में हम सीटेट के पुराने प्रश्नों को हल करेंगे। एग्जाम सर पे है, इसलिए जल्द से जल्द अच्छी तैयारी के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, बिल्कुल गलत। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। और ये फसली पादपों से जल, पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, सही है। तो इसका मतलब सी डी, ये पहला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं कि नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पादपों का कौन सा संयोजन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कोशिका भित्ति, यहाँ देख रहे हो कोशिका भित्ति, ये दोनों प्लांट में आता है, तो इसलिए ये दोनों तो होगा नहीं। इसमें देख लेते हैं, यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये भी प्लांट में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ये तीसरा सही है। अगला देख लेते हैं हम कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैवीय अवयवों का निरूपण करता है। जैविक अजैविक आपको पता होगा, बायोटिक बायोटिक। जैविक मतलब जिनमें जीवन होता है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता है। तो यहाँ बालू ये अजैविक है, तो इधर ये इसका नहीं होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ मृदा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नीचे इसमें देख लेते हैं, यहाँ जल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सही है टू, कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप, ये सारे जैवीय अव्यय हैं, जैवीय या जैविक कह सकते हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं, एम्फोरा एक डैश था। एम्फोरा दोस्तों था ये एक इस स्ट्रक्चर का, ऐसे ऐसे इस कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर का, इसमें दोनों किनारे इस टाइप से लगे रहते थे, इसमें शराब वराब भरी जाती थी। तो ये खास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये एक बर्तन होता है लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा जार, इसका ये आंसर सही होगा, ठीक। मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे, इसका सही आंसर होगा काला सोना। अगला प्रश्न लेते हैं, हिरण्यगर्भ। दोस्तों हिरण्यगर्भ एक यज्ञ होता है, ये हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में इसका वर्णन है। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, इसका सही आंसर है दूसरा। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, चालुक्य वंश के राजाओं ने अक्सर इस तरह के अनुष्ठान किए। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्त्री पाया गया है। संस्कृत में प्रशस्त्री पाया गया है किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए, तो आंसर है बलवंत। बलवंत काफ़ी धर्मनिरपेक्ष शासक था। अगला देख लेते हैं, नाथ संप्रदाय का संबंध है, तो इसका आंसर है बंगाली से। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहते थे, इसका सही आंसर है तीसरा, नगरम। अगला देख लेते हैं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, इनके द्वारा एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया, और इसका सही आंसर है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो कि 1929 में के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कौन सा था। इसका सही आंसर 26 जनवरी 1930। दोस्तों इसी 26 जनवरी 1930 के नाम पर 26 जनवरी लिया गया हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम 26 जनवरी तो याद रहेगा, और ऑप्शन में आएगा तो लगा दोगे। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कहाँ से, पश्चिम से पूर्व, कहाँ पे आंसर है ये देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व, ठीक। अगला देख लेते हैं, दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, तो ये है आपकी इंडीज, और ये कहाँ पड़ती है आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्षा आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर उष्णकटिबंधीय पूछता है तब तो भारत में दूसरे भी मध्य प्रदेश हो जाता, लेकिन इसने पूछा वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार, ठीक। क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो भूमध्य रेखा उसके नज़दीक में ही पाए जाते हैं, और भूमध्य रेखा के नज़दीक हमारा अंडमान निकोबार पाया जाता है, मतलब बहुत बिल्कुल नज़दीक नहीं है लेकिन है फिर भी नज़दीक, तो इसलिए थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार पे पाया जाता है, थोड़ा बहुत केरल में भी पाया जाता है। आगे देख लें, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट भी बोला जाता है इसे, अमेजन
फॉरेस्ट। ठीक, अगला देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अमेजन नदी बेसिन। मलोका क्या है? तो दोस्तों मलोका एक जनजातियों द्वारा बनाया गया घर है, एक प्रकार का घर है, ब्राजील की जनजातियां इसको बनाती हैं। ठीक, ब्राजील की, दक्षिणी अमेरिका की। ऋग्वेद के काल में कौन से तीन देवी देवता खास कर प्रमुख थे? तो ये दोस्तों है दूसरा आंसर इसका, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, अग्नि, इंद्र और सोम। इसे आप ऐसे याद रखिए कि मान लिया ये अग्नि जल रही है, ठीक, और इसमें सोमरस डाल रहे हैं आप, तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, इस तरीके से आप याद रखें। अगला देख लेते हैं, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत आर्य? बिल्कुल नहीं। भारत यूनान? बिल्कुल नहीं। भारत यूरोप? बिल्कुल सही। तीसरा ये सही, ये भी गलत है। ठीक, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? दोस्तों इसे तृष्णा ही बताया गया है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ऐसा लिखा, तृष्णा बताया गया है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर पिछले यूपीएससी टेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, इनको आप देख के समझ के उस तरीके की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिशा होनी चाहिए, बिना दिशा के आपकी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी और आप कुछ और पढ़ने लगेंगे, नॉलेज हो जाएगा बट एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि हमारे इस एमसीक्यू से फ़ायदा लीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।